तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जी, अगर वो 69 से ग्रेटर है तो हम उसको शो करवा देते हैं एन डी एल, यहाँ पे शो करवा देते हैं जी योर ग्रेड इज बी, कि आपका ग्रेड बी है। और अगर ये भी नहीं होता तो फिर एक कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पे, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 59, अगर वो 59 तक पहुंच जाता है तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं कि जी इसको सी आउट करवाओ एन डी एल, और यहाँ पे इसको बता दें कि जी योर ग्रेड इज, यहाँ पे आ जाएगा बी, सॉरी सी, सी ग्रेड आएगा। इसी तरह अगर वो ये भी ट्रू नहीं होता सो हम एल्स करते हैं, और इसके साथ एक और कंडीशन इफ लगाते हैं, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 49, अगर वो 49 से ग्रेटर है तो बड़ा सिंपल है कि आप उसको ग्रेड डी शो करवा दें, सी आउट एन डी एल, और यहाँ पे कह दें कि जी योर ग्रेड इज डी, कि आपका ग्रेड डी है। और अगर ये भी नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी नहीं होता तो बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पे कोई कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बता दें कि जनाब योर ग्रेड इज एफ बिकॉज यू आर फेल्ड। सो ये जो मैंने स्ट्रक्चर का जो स्टाइल कोडिंग का यूज किया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर की कंप्रीहेंसिव डिस्कशन के अंदर बताया था कि ये स्टाइल एक गुड प्रैक्टिस स्टाइल होता है, आप यूज करें तो आपके लिए फायदेमंद होता है, अगर आप यूज नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ही सीक्वेंस में सारा काम कर देंगे तो डजेंट मैटर, प्रोग्राम को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे जरूर फर्क पड़ेगा, आपकी एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सो इट्स सजेशन फॉर यू कि आप जो है वो इनको इस तरह से जो है वो ट्रीट करें, इस ब्लॉक स्टाइल के अंदर लेके आए, ठीक है जी। सो अब हम चलाते हैं, अगर एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, और अब हम बाकायदा रिजल्ट देते हैं। 1321531422 रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया, सो मोहम्मद वसीम रियाज, मोहम्मद रियाज मैथ्स के मार्क्स हैं जी उसके, मैं भी फेल वाला केस लेता हूँ, 4323। सो उसने कहा कि जी योर ग्रेड इज एफ, यू आर फेल्ड एंड योर परसेंटेज इज 29.6667%। क्लियर होगी बात। अब हम जरा पास वाले ग्रेड डी के ऊपर आते हैं, सो 1321 दिस वसीम रियाज, और यहाँ पे हम मैथ्स के मार्क्स देते हैं जिसको 50 50 50। सो देखें ग्रेड आपके पास जो है वो डी आया है यहाँ पे। इसी तरह अब हम बी पे सॉरी इसको लेके जाते हैं आगे सी के ऊपर, सो सी के लिए हमें डाटा 60 तक लेके जाना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे अभी सबका रैंडम डाटा नहीं कलेक्ट कर रहा, मैं वैसे ही 60 तक ले आता हूँ, सबको 60 एंटर करता हूँ। तो लेकिन ग्रेड सी आ गया, ओके। इसी तरह आप बी और ए चेक करें, एक और टेस्ट कर लेते हैं जिसपे अब हम प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। सो मैं यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब एंटर करने लगा हूँ, 1321, ये किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है जी, और उसके बाद आ गया मोहम्मद वसीम रियाज, मोहम्मद रियाज, और मैं इसको देता हूँ जी 78 मार्क्स, 67, और यहाँ पे 98 देते हैं। सो परसेंटेज उसकी बनती है जी 81%। तो 81% के साथ ग्रेड उसका बनता है ए। सो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड जनरेशन। सो अब हमने क्या करना है कि जी अब हमने अपने प्रिंटिंग बिहेवियर सेट करने हैं, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पे डेकोरेशन वाला काम करते हैं, रिजल्ट कार्ड प्रिंटिंग। सो मैं इससे पहले एक डेकोरेशन का काम करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ खूबसूरती के लिए ये स्टाइल यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्रिंटिंग बिहेवियर है, नथिंग एल्स, ठीक है। इनका ताल्लुक जो है वो एन डी एल, और यहाँ पे हम क्या देते हैं जी स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड 5, और यहाँ पे भी मैं 5 स्टैरिक प्रिंट करवा देता हूँ। एक खूबसूरती डेकोरेशन है, आपको नहीं पसंद तो इट्स ओके, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है आप वो यूज करें। सो मैं यहाँ पे इनके स्टाइल को एक जैसा रखता हूँ, ई एन डी एल। सो जरा साथ साथ प्रिंटिंग बिहेवियर भी चेक करते रहते हैं कि हम जो एंट्री कर रहे हैं क्या वो सही तरह से एंट्री हो रही है, जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह प्रिंटिंग हो रही है या नहीं। सो देखें जी स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड,
अब यहाँ पे चूंकि एक नई लाइन ऐड हो गई थी, यहाँ पे हमने ऐड नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हम जरा इसको सेंटर पे लेके आते हैं। सो उसके लिए इधर backslash t यूज करेंगे, जो आगे टैब यूज कर देगा। मेरा ख्याल दो ही काफी है, वो दो ही इतने उसको सेंटर तक ले आएंगे। ठीक है, सो मैं चलाता हूँ इसको। ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, नेम दिया जी, और ये देखिए जी सेंटर तक आ गया। सो रिजल्ट कार्ड आ गया प्रिंटिंग। सो ये एक प्रेजेंटिंग स्टाइल आपके पास आ गया। ठीक है जी, अब आपने प्रिंटिंग करवानी है जी, रिजल्ट कार्ड प्रिंटिंग। तो हमें आइडिया हो गया कि दो बैकस्लैश टी के साथ आप इसके सेंटर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आगे ये करवा लेते हैं, और हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं ताकि एक प्रिंटिंग बिहेवियर अच्छा प्रेजेंट हो जाए। स्टूडेंट नेम, और इसको भी थोड़ा सा हम इसके लेवल पे ले जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट फादर नेम यहाँ पे आ गया जी ये। अब अगर आपने स्टूडेंट का वर्ड शो नहीं करवाना तो इट्स ओके, वैसे बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। सो काफी है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी स्टूडेंट नेम आए पूरा। सो फादर नेम एज इट इज रख लेते हैं। अब देखें थोड़ी डेकोरेशन आगे पीछे हो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम इसको टैप प्रेस करके उसके लेवल पे ले आते हैं, कोई बात नहीं। योर मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100, या हम कर लेते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और ऐड करते हैं, सी आउट ANDL, दो लाइंस ले गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे जी सब्जेक्ट, और मैं एक बैकस्लैश टी यूज कर लेता हूँ, जो कि टैब यानी कि स्पेसेस, पांच स्पेसेस आपको दे देगा, पांच या छः। सो उसके बाद मैं बैकस्लैश टी यूज कर लेता हूँ, डबल कोट्स में यूज करना है इसको आपने। और उसके बाद मैं कह लेता हूँ जी डबल कोट्स में ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है जी। और उसके बाद मैं दोबारा बैकस्लैश टी, आप चाहें तो ये एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगाने, यहाँ पे इसको ये जो ऑपरेटर है लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि सारा आप एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट में एक्सेप्टेबल होता है। सो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी इसके टोटल मार्क्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कर दें ENDL। अच्छा, यहाँ पे ENDL ना कीजिएगा, चूंकि वो अगली लाइन पे जब ENDL होना है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया। सो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करता हूँ। उसके बाद मैथमेटिक्स आया, उसके बाद हम कर लेते हैं जी दो बैकस्लैश टी दिए हमने। सो हम यहाँ पे दो बैकस्लैश टी, लेकिन करेक्टर का डिफरेंस आएगा, डोंट वरी, हम करते हैं इसका हल। ऑब्टेन मार्क्स पे हम ये मैथ्स मार्क्स ले लेते हैं, और उसके बाद हम बैकस्लैश टी, और यहाँ पे हम दे देते हैं डबल कोर्स में 100, ठीक है जी। सो हम एक जरा चेक कर लेते हैं प्रिंटिंग बिहेवियर, उसके बाद फिर बाकी भी बड़े आराम से हम उसके मुताबिक ले आएंगे। सो वसीम, रियाज, और 45, 54, 43, देखें रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम थोड़ा सा जरा ये पीछे हटके आया, क्योंकि हमने देख लेते हैं अभी क्या इशू है, देखते हैं बल्कि पहले स्टूडेंट नेम क्यों इतना पीछे आया, चूंकि स्टूडेंट का नेम प्रेजेंट हुआ और उसके बाद ये पीछे क्यों आया स्टूडेंट नेम। सो यहाँ पे देखते हैं हम, चलें कोई नहीं, थोड़ा इसको सेट करते हैं, बैकस्लैश टी एक भी काफ़ी थी मेरा ख्याल है, चलें। और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ऑप्टेन, अच्छा सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं, बाकी चीज़ें हमारी तकरीबन ठीक हैं। सो हम सब्जेक्ट की ये बैकस्लैश टी ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम के लिए थोड़ा सा एक एंगल बैक करते हैं, और ये पहले पीछे था, सो हम यहाँ पे ये दो पीछे ले आते हैं, ओके। सो जी मैथ्स आ गया, आगे इंग्लिश आ गया जी आपके पास। सो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ मैथ और ये कंप्यूटर। सो ये दो स्टेटमेंट की अब मुझे ज़रूरत नहीं रही। सो यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स के बाद, नेक्स्ट हमारा था इंग्लिश, वो कोई मसला नहीं है, आप तरतीब इनके आगे पीछे भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ गया जी आपके पास कंप्यूटर। सो यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स थे, उसके बाद आपने लगाना है जी ENG मार्क्स, उसके बाद आपने CMP लगाना है, ठीक है जी।
ये आपके पास आगे मार्क्स आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे भी प्रिंटिंग बिहेवियर वो जो ऊपर हमने सेट किए हैं ना, वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे भी ये। यहाँ पे आप कर लें इसको सेट, ये आ गया जी। और इसकी जगह पे, इस स्टेटमेंट की जगह पे हम उसका ये वाला रिकॉर्ड शो करवाते हैं, ये वाला रिकॉर्ड शो करवा देते हैं और इसी प्रिंटिंग बिहेवियर को दोबारा प्रेजेंट करवा लेते हैं यहाँ पे सी आउट एन डी एल।